ट्रेडर्स कृपया ध्यान दें, अगर आपको मार्केट में खेलना है ना, तो नीचे जो लाल लाल सब्सक्राइबर बटन दिख रहा है उसके साथ पहले खेलो, उसको दबाओ और उसके बाद आगे बढ़ो। हाय फ्रेंड्स, दिस इज संदीपन हियर एंड वेलकम यू टू बाजार इनसाइट। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कल के लिए यानी कि 29th ऑफ नवंबर के लिए तीन इंट्राडे स्टॉक्स को लेकर। तो पहले बात तो यहां पर स्क्रीनशॉट देखिए, मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर मैं डेली बेसिस मार्केट ओपन होने से पहले एशियन मार्केट, इंडियन मार्केट किस तरह से काम हो रहा है उसका अपडेट देता हूं। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स वहां पर दिया जाते हैं, तो ये एब्सोल्युटली फ्री है, यहाँ पर आप ऐड हो सकते हैं, आप लोगों के साथ मेरा कनेक्टिविटी बना रहता है। इसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या फिर कमेंट सेक्शन में जाइए, पिंड कमेंट में बहुत कुछ लिंक्स मिलेगा उस पर, उसमें आपको टेलीग्राम चैनल करके है उसके पास में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए और उसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड हो जाइए। चल पड़ते वीडियो के ऊपर और जो पहला स्टॉक रहेगा उसको देख लेते हैं। तो फास्ट जो स्टॉक रहेगा एक FMCG सेक्टर स्टॉक टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के ऊपर रहेगा। तो यह टाटा कंज्यूमर का चार्ट, पहले बात तो यह है यहाँ पर मैं डेली बेसिस आता हूँ और चार्ट को एनालिसिस करने के बाद ही लेवल शेयर करता हूँ। तो आप लोगों को यह रिक्वेस्ट है कि आप इसको मतलब ये एनालिसिस पार्ट को किसी भी हालत से स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर ऐसा कुछ ड्रॉइंग्स मैं दिखाता हूँ, ऐसा कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर समझ आप लोगों को एलेबोरेट करता हूँ जिसके अंदर अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो ट्रेड करने के टाइम पर आपको दिक्कत पैदा होगा। तो पहले बात तो आप देखिए यहाँ पर मैंने एक चैनल ड्रॉ किया टाटा कंज्यूमर के अंदर, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लेने के बाद हम लोग नीचे आ गए थे। उसके बाद आप देखिए ये डॉटेड लाइन के ऊपर यहाँ पर बहुत टाइम से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर अभी भी रेजिस्टेंस ले रहा है, तो इसको ये ब्रेकआउट करना चाहिए। अब ये ब्रेकआउट करने के बाद इस एरिया के ऊपर बेसिकली ये जो जोन है इसके ऊपर जाके अगर सस्टेन होता है तभी ये ऊपर वाला जो चैनल है उसको दोबारा टेस्ट करेगा। तो इसके अंदर हम लोग उसी एरिया के ऊपर यानी कि 802 के ऊपर अगर जाएगा और 10 मिनट उस रेंज के ऊपर सस्टेन होगा, यानी कि 802 के ऊपर जाएगा और 10 मिनट 802 के ऊपर हम लोग देखेंगे, आंखों से देखेंगे उसकी उस लेवल के ऊपर ट्रेड हो रहा है, वैसे होने से हम लोग उसको वहां से बाय करेंगे। तो कैश का लेवल दे दिया हूं, सेलिंग लेवल डिस्कस करूंगा, लेकिन उसके पहले दो स्क्रीनशॉट आएगा। पहला जो स्क्रीनशॉट है ये मेरा ऑप्शन प्रीमियम ब्रॉडकास्ट लिस्ट है जहां पर मैं ऑप्शंस के ऊपर यानी कि निफ्टी स्टॉक, बैंक निफ्टी स्टॉक ऑप्शंस के ऊपर एवरीडे हैंड होल्डिंग सपोर्ट देता हूं। 2 से 3 वहां पर व्यू दिया जाता है विथ लेवल स्टॉप लॉस, और बीच में अगर कोई भी चेंजेस आता है लाइव मार्केट में मैं अपडेट करता हूं, इसको ऐसे कीजिए, इसको एग्जिट कीजिए, इसको लीजिए, तो ऐसे वहां पर एकदम इंटरसेप्शन मिलता है आपको और वहां पर मैं कोशिश करता हूं लाइव मार्केट में आप लोगों को सपोर्ट मिले। तो इसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स है, 699 पर मंथ छोटा का फीस है। और स्क्रीनशॉट देखिए, अगर आपको इक्विटी स्टॉक्स के ऊपर काम करना है तो ये इक्विटी स्टॉक्स स्क्रीनशॉट है, प्रीमियम ब्रॉडकास्ट लिस्ट का स्क्रीनशॉट है, यहां पर इक्विटी स्टॉक्स के ऊपर मैं काम करवाता हूं। अगर आपको इसके अंदर जोड़ना है 599 पर मंथ का छोटा सा फीस है, तो ऑप्शंस के ऊपर 699, इक्विटी स्टॉक्स के ऊपर 599, दोनों में ही आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा। और आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेंबरशिप के लिए, व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मैंने दे दिया है। अब चल पड़ते हैं टाटा कंज्यूमर का सेलिंग लेवल डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो इसके अंदर आप क्लियरली आप देखिए ये डॉटेड लाइन के ऊपर यहां पर रेजिस्टेंस लिया, उसके नीचे यहां पर आप देखिए यहां पर बार बार सपोर्ट लिया, तो ये जो स्विंग एरिया है इस एरिया इसका बन गया है सपोर्ट। तो इसके नीचे अगर ये आएगा, अब ये 792 के नीचे आएगा और 10 मिनट उस रेंज के नीचे काम होगा, आंखों से देखेंगे कि 10 मिनट 792 के नीचे ट्रेड हो रहा है, ऐसा होने से हम लोग उसको वहां से शॉर्ट सेल करेंगे। दोनों ही कैश का लेवल स्क्रीन पर दे दिया, अपना प्रीवियस कैपिटल के हिसाब से ट्रेड लीजिए। एक बात क्लियर कर देता हूं दोस्तों, इस चैनल के अंदर किसी भी तरह का टिप कॉल रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता, मैं चार्ट खोल के डिटेल एनालिसिस करता हूं उसके बाद ही लेवल शेयर करता हूं। सो दिस वीडियो प्योरली फॉर एजुकेशन एंड के स्टडी पर्पस। अब हम लोग सेकंड व्यू में चलेंगे, लेकिन उसके पहले जो मैंने लास्ट वीडियो दिया था जो आज के लिए था उसको रिव्यू कर देते हैं। उसके अंदर 3 स्टॉक बताया था, पहला स्टॉक ग्रासिम के अंदर हम लोगों का बाइंग सेलिंग कोई भी लेवल यहां पर एक्टिवेशन नहीं हुआ, ऊपर भी कहीं काटा नीचे भी नहीं काटा, तो ये नॉट एक्टिव था। सेकंड था जिंदाल स्टील, इसके अंदर हम लोग का सेलिंग लेवल मैंने यहां पर ड्रॉ करके दिखाया था आप लोग को, देखिए यहां पर इस एरिया को नीचे हम लोग एक्टिवेशन हो गया था, मैंने यहां पर बार बार ड्रॉ करके दिखाया था 517 के नीचे, उसके बाद ये सीधा नीचे आ गया, अभी 506 के आसपास चल रहा है। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, दोनों टारगेट हिट हुआ, बहुत बढ़िया प्रॉफिट आया, ह्यूज प्रॉफिट आया इसके अंदर, ठीक है। अब थर्ड जो था हम लोग का अडानी पोर्ट्स के ऊपर, उसके अंदर भी हम लोग का 882 का लेवल यहां पर एक्टिवेशन हो गया था, उसके बाद आप देखें रैली कर गए ऊपर की तरफ, यहां तक 886 कर गया था।
टारगेट तक तो नहीं पहुंचा क्योंकि मार्केट जो है वो आज भी फ्लैट है, फिर भी प्रॉफिट तो दिया। मैंने बार बार बोलता हूँ जॉबिंग कीजिए, छोटा छोटा प्रॉफिट बार बार बुकिंग कीजिए, तो ऐसा अगर आप किया है तो बढ़िया प्रॉफिट मिला। अभी भी वो हम लोग कॉस्ट के प्राइस जो एंट्री पॉइंट 880-882 उसके आसपास ही चल रहा है, ठीक है। तो ये तीन व्यू था, और अगर आपको इसको मैच करवाना है मेरे एपिसोड के अंदर जा सकते हैं वीडियोज़ के अंदर, यहाँ पर आपको 28th November यानी कि आज के लिए जो वीडियो आपको मिल जाएगा उसके अंदर उसको जाके आप मैच करवा सकते हैं। और ऐसे तीन प्रॉफिटेबल स्टॉक एवरी डे फ्री ऑफ कॉस्ट पाने के लिए बाजार इनसाइट चैनल को अभी सब्सक्राइब करके पास में जो बेल नोटिफिकेशन उसको प्रेस कर दीजिए, और जाने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके जाइए। फाइनल व्यू में सेकंड व्यू में हम लोग चलेंगे, सेकंड जो व्यू रहेगा वो देख लेते हैं। सेकंड जो व्यू रहेगा वो रहेगा हम लोगों का एक बैंकिंग सेक्टर स्टॉक इंडसइंड बैंक के ऊपर। तो ये रहा इंडसइंड बैंक का चार्ट, इसके अंदर आप देख सकते हैं इसके यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल चैनल को ये ब्रेकआउट करने से बाद अगर ऊपर सस्टेन हो जाता है तब हम लोग उसको वहाँ से बाय कर सकते हैं। अभी चल रहा है 1.0103, तो 1.0108 के ऊपर अगर सस्टेन होता है और ऐसे होने से हम लोग उसको वहाँ से बाय करेंगे। 10 मिनट उसके ऊपर हम लोग सस्टेन होने देंगे, ट्रेड होने देंगे 1.0208 के ऊपर। 10 मिनट अगर ट्रेड होता है तब हम लोग उसको वहाँ से बाय करेंगे। और सेलिंग लेवल क्या रहेगा, वैसे तो इसके अंदर चैनल के ऊपर सपोर्ट लिया बार बार आप देख सकते हैं, लेकिन ये जो डॉटेड एरिया है इसका अभी फिलहाल पहले इसका रेजिस्टेंस था, इस अब ये सपोर्ट बन गया है। तो इसके नीचे अगर आएगा यानी कि 1.1192 तो यहाँ पर इसके नीचे अगर आएगा और उसके नीचे सस्टेन होगा, मतलब इस रेंज के नीचे 10 मिनट ट्रेड होगा तब हम लोग देखेंगे आंखों से, उसके बाद शॉर्ट सेल करेंगे। दोनों ही कैश का लेवल स्क्रीन पर दे दिया, अपने अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ट्रेड लीजिए। फाइनल व्यू में जाने से पहले स्क्रीन पर देखिए, अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना है, ये इंट्राडे मास्टर ट्रेडर एक प्रोग्राम है, बहुत ही उम्दा एक प्रोग्राम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है लाइफ टाइम एक्सेस के साथ। इंट्राडे में कैसे स्टॉक को सिलेक्ट करना है, कैसे स्ट्रेटेजी बना के काम करना है, कहाँ पर एंट्री लेना है, कहाँ पर स्टॉप लॉस, पूरा कंप्लीट स्ट्रेटेजी अलॉन्ग विथ स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस, कैसे इंट्राडे में हम लोग लॉस को मिनिमाइज करें और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें, गोल्डन रूल्स है उसके अंदर, तो उसको फॉलो करने से आपका ट्रेडिंग पैटर्न जो है चेंज हो जाएगा। और ये जो है ये एब्सोल्युटली लाइफ टाइम एक्सेस के साथ आपको मिलेगा, यानी कि जब भी आपको टाइम मिलेगा जितना बार आपका दिल चाहे आप बैठ के उसको देख सकेंगे, बार बार देख सकेंगे विथ वहां पर आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस भी मिलेगा। तो अगर आपको इसके अंदर जोड़ना है, एनरोल करना है, इसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या फिर मेरा जो एप्लीकेशन है जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो गूगल प्ले स्टोर में संदीप एन चक्रवर्ती नाम से रजिस्टर्ड है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर में, और उसके अंदर मेरा सारे कोर्सेस अवेलेबल है अलॉन्ग विथ मेरा गोल्डन ब्रेकआउट प्लान, तो उसको वहाँ से जाके भी आप एनरोल कर सकते हैं। अब हम लोग चल पड़ेंगे फाइनल व्यू में, लेकिन उसके पहले छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों, यहाँ पर डेली बेसिस आप लोग को हेल्पिंग पर्पस वीडियो दिया जाते हैं, तो कोशिश कीजिए इस वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट करने के लिए। 100 इसका लाइक टारगेट है, लास्ट वीडियो का लाइक टारगेट आपने अचीव कर दिया था, तो मैनी मैनी थैंक्स। और कॉमेंट सेक्शन में आप कॉमेंट करके जाइए, कॉमेंट बहुत कम आता है, कैसा लगता है इस प्रोग्राम को लिखिए, कोई भी सजेशन है दीजिए, कुछ भी पूछना है रेलिवेंट सवाल अगर होगा तो जरूर जवाब दिया जाएगा, तो कीजिए। और जाने से पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके पास में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको प्रेस करके जाइए। फाइनल व्यू में चल पड़ेंगे, और वो रहेगा एक सीमेंट सेक्टर स्टॉक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक अंबुजा सीमेंट के ऊपर। यहाँ पर एक चैनल है, अब देखिए इसके अंदर यहाँ पर रेजिस्टेंस हुआ, यहाँ पर चैनल के ऊपर, अब ये डॉटेड लाइन के नीचे सस्टेन हो गया है। अब ये जो एरिया है स्विंग एरिया है इसको एक ब्रेकआउट करेगा ऊपर की तरफ, तब हम लोग बाय कर सकते हैं 569 के ऊपर। 569 के ऊपर 10 मिनट सस्टेन होने से, 10 मिनट उसके ऊपर काम हो रहा है आंखों से देखने के बाद हम लोग उसको बाय कर सकते हैं। सेलिंग लेवल यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया, और ये जो एरिया है अभी ये इसका सपोर्ट है, और चैनल में मैक्सिमम ये चैनल को ब्रेक डाउन करके नीचे सस्टेन होगा तब हम लोग शॉर्ट सेल कर सकते हैं। 563 के नीचे आंखों से देखेंगे, 563 के नीचे 10 मिनट ट्रेड हो रहा है तब हम लोग उसको वहाँ से शॉर्ट सेल कर सकते हैं। दोनों ही कैश का लेवल स्क्रीन पर दे दिया हूँ, अपने अपने रिस्क एपेटाइट को देखिए उसके हिसाब से ट्रेड लीजिए। अगर आज मार्केट क्लोजिंग होने से पहले ही आप लोग देखते हैं कि इसको कोई भी लेवल ब्रीच आउट हो गया है तो कल जो जहाँ पर वो ओपन होगा 10 मिनट वहाँ पर काम होने से हम लोग वहाँ से काम शॉर्ट सेल और बाय कर सकते हैं, ठीक। तो ये था आज का वीडियो, एंड स्क्रीन में देखिए जो मैंने प्रीवियस वीक में जो तीन ब्रेकआउट स्टॉक पॉजिटिव ब्रेकआउट स्टॉक दिया था, इस वीक मैंने कोई वीडियो नहीं डाला है, कुछ रीजंस था। तो और मेरा जो गोल्डन ब्रेकआउट प्रोग्राम है जहां पर आपको 7 से 10 गोल्डन ब्रेकआउट स्टॉक मिलता है एवरी वीक आपको फ्री, वहां पर मैं मेरा जो मेंबर्स हैं उन लोगों के लिए मैं देता हूं, और डिटेल उसके अंदर क्या क्या बेनिफिट मिलेगा और कैसे उसको ज्वाइन करना है उसके लिए आप एंड स्क्रीन में मैंने वीडियो दे दिया, उसको भी जाकर देख सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद जय भारत।